हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुशर्रफ हैद हाशमी, टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं क्लास ट्वेल्थ की। रिसेंटली जो 11th मार्च में आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, जो सेट पेपर मेरे पास में सेकंड है, मतलब कि 2 सेट पेपर हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 2 सेट पेपर हैं एंड क्वेश्चन पेपर कोड जो है आपके पास में वो 65/4/2 है। तो बेटा जिन भी बच्चों लोगों का क्वेश्चन पेपर कोड 65/4/2 है, सेट नंबर 2 है, वो लोग आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर्स मिला सकते हैं। तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पर चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके और आप लोग नेक्स्ट जो जितने होने वाले पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन आसानी से मिला सकूँ, ठीक है। और अगर ये पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी टाइम को लॉस किए हुए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन हम लोगों का पहला स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ़ ये एक आपके पास में मैट्रिक्स था और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 632 था, देन द वैल्यू ऑफ 2x + y - z इज़ इक्वल टू कितनी होगी। तो ये आपको जो सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद में अगर आप निकालते तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी निकलती, 5 निकलती बेटा, ठीक है। तो इसका डी आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया था इफ़ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3, देन द मैट्रिक्स ऑफ ए डॉट ए डैश, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना था। तो इसका जब आप लोग प्रोडक्ट निकालते तो प्रोडक्ट इसका जो रियल वैल्यू आपकी निकल के आना थी वो आपकी कितनी निकल के आना थी, वो आपकी D4T निकल के आना थी, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है आपके पास में, हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते, इसको वाई से मल्टीप्लाई करते, दोनों को जोड़ते तो इक्वेशन बनती, और जब इक्वेशन बन जाती तो उन दोनों को सॉल्व करते तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाना था, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1 हो जाना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन i + a² - 3a इज इक्वल टू कितना होगा। तो बेटा जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो इसका रिजल्ट i निकल करके आ जाएगा, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इस इतना इतना, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी निकल करके आ जाएगी। तो इसको जब अपन लोग शॉर्ट आउट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 47 निकल करके आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फटाफट। सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस तो होता ही है बट डिफरेंटिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंटिबल नोवेयर, ठीक है। चलिए हम लोग सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग निकल करके आएगा, तो बेटा इसमें क्या करना था, डिफरेंशियल करना था आप लोगों को। तो डिफरेंशियल जब आप लोग करेंगे तो e^x cot e^x आ जाएगा, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो जब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एट्थ का इंटीग्रेशन जो आपके पास में आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये एक्स पावर सिक्स, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, x^6/6+c। चलिए हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास में है इंटीग्रेशन का ही है। तो इंटीग्रेशन को अगर हम लोग इसको शॉर्ट आउट करेंगे, लिमिट वाला है ये क्वेश्चन, तो अगर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15+e^8/2, राइट। चलिए फिर हम लोग टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन में आपका यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिवन इतना दिया गया था, तो इसमें सीधा सीधा आपका बी आंसर था, ठीक है, राइट, क्लियर है। फिर इलेवंथ वाले में आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए ट्वेल्थ का हम लोग देख लेते हैं। तो ट्वेल्थ में आप लोगों के पास में क्या है, dy/dx है एक्स है, तो इसमें हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है y/x और यहाँ पर हो जाता एक्स, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता, तो फिर हम लोग इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, इंटीग्रेशन फंक्शन निकालना था। इंटीग्रेशन फंक्शन बेटा कितना आएगा, 1/x आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, इसको आप लोग y+1 नीचे ले आना था, और एक मिनट, y+1 आप लोग नीचे ले आते और फिर ये dx ऊपर ले जाते, तो इसको आप लोग अलग करते तो ये आता log y+1 हो जाता और इज इक्वल टू log x-1 हो जाता। तो इसका 1 निकलता शायद, अकॉर्डिंग टू मी, आप सॉल्व करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQR फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये आपका सीधा सीधा है डी आंसर हो जाएगा इसका। 15 का है द डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन, तो इसके आपका सीधा सीधा डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 16 पे जो है आपके पास में, तो 16 आपके पास में कितना है, PA की वैल्यू दी है, PB की वैल्यू दी है, PB/A की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन निकालने के बाद में यूनियन निकाल लीजिएगा, तो आपको ये करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बॉथ द इनइक्वालिटीज़, तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को जो सेटिस्फाई करता है वो बेटा पॉइंट नंबर 4-2 सेटिस्फाई करता है, ठीक है।
चलिए हम लोग 18 क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन इनइक्वालिटीज इतने को क्वालीफाई कौन करेगा, सी आंसर इसका हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग 19 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 19 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या चला जाएगा, देखो इसका एसर्शन तो सही है और इसका रीजन भी सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है नहीं है, तो हम लोग बी को आंसर पे चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरे जो 20 है वो इसके लिए है कि परपेंडिकुलर है, तो ये आपका बिल्कुल सही चीज़ है, मतलब कि ट्रू है, और ये भी इसका ट्रू है और इसका ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसमें हम लोग ये पे चले जाएंगे, ठीक है राइट। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है।